आज राजपुरा के मिनी सचिवालय में पटियाला के एसएसपी श्री एस भूपति, राजपुरा के एसपी सरदार जसविंदर सिंह व राजपुरा के डीएसपी श्री कृष्ण कुमार पांथे ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि सिटी थाना के एसएचओ ने अपनी पुलिस पार्टी के साथ, जिसमें एएसआई रुपिंदर सिंह व सिमरनजीत सिंह इंचार्ज पुलिस चौकी कस्तूरबा ने मिलकर राजपुरा के अंबाला जीटी रोड पर मिडवे ढाबे के नजदीक नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक में से 19 किलो अफीम सहित 1,00,000 रुपया नगद बरामद कर एक आरोपी, जिसका नाम गुरमेल सिंह निवासी अमृतसर है, को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके साथ बैठा एक व्यक्ति पुलिस को देख कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पंजाब सरकार से इंस्ट्रक्शन मुताबिक पटियाला पुलिस ने ड्रग पेडलर्स के खिलाफ स्ट्रांग एक्शन शुरुआत किया। उस दौरान आज राजपुरा पुलिस ने एक स्पेशल नाकाबंदी चालू किया। आज सवेरे करीब 6:30 बजे मिडवे होटल के साथ हमारा पुलिस पार्टी घटिया गुड़िया चेकिंग कर रहा थी। उस वक्त एक ट्रक आया, फिर जदों चेकिंग शुरू किया उसमें साड़ा पुलिस ड्राइवर सीट के साथ 19 किलोग्राम ओपियम रिकवरी किया। ट्रक में 2 बंदा सिगा, एक ड्राइवर, उनका नाम गुरमेल है, रेसिडेंट ऑफ अमृतसर, उनके साथ, और एक बंदा उनका नाम कान है। जदों ये गड्डी चेकिंग शुरुआत हुआ वो साइड में उतार के वो देख रहा से, फिर जदों ओपीएम मिल गया वो बंदा स्लीप हो गया। जो कान है वो रेसिडेंट ऑफ गौहाती असम, 19 किलोग्राम ओपीएम भी रिकवर हुआ, उनके साथ 1,00,000 कैश भी मिला। फिर पूछताछ के दौरान ये आया, बेसिकली ये जो ट्रक ड्राइवर है तो ही रूटीनली कैरीज माल फ्रॉम गौहाटी टू लुधियाना, लुधियाना टू गौहाटी। फिर ये जो कान है रेसिडेंट ऑफ गौहाटी, उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर ने मिलके उनके साथ ये अग्रीमेंट किया 1,50,000 रुपया का, उसमें 1,00,000 रुपया एडवांस दिया ट्रक ड्राइवर ने। उन्होंने ये अग्रीमेंट किया ओपीएम के साथ ये पंजाब लेके आना, फिर जो माल है गड्डी विच प्लाईवुड वगैरह वो डिलीवर करने के बाद इन्होंने लुधियाना में छोड़ना था, ये अग्रीमेंट किया। मोस्टली जो कान है उनका बारे में तो ट्रक ड्राइवर का ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बता रहे, तो पूछगिछ चल रहे, अभी सिर्फ 2-3 घंटे हुआ। फिर आगे जो कान है वो पकड़ना पड़ेगा, वो कहाँ गौहाटी में उनका आर लिंक्स, कितने कितने उनका लिंक है, और पंजाब के साथ किस किस के साथ उनका लिंक है, वो आगे तफ्तीश अभी चल रही है। इस मौके पर एसएसपी पटियाला ने बताया कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है और भी कई अहम खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। डीएसपी कृष्ण कुमार पांथे के राजपुरा में आने के बाद पुलिस को यह सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। राजपुरा से संदीप चौधरी, न्यूज 89।